प्राचीन काल में स्थूलकेश नामक एक ऋषि वन में आश्रम बनाकर रहते थे। अप्सरा मेनका के गर्भ से गंधर्वराज विश्वावसु ने एक संतान उत्पन्न किया। मेनका ने नवजात कन्या को स्थूलकेश ऋषि के आश्रम के पास छोड़ दिया। ऋषि स्थूलकेश कन्या अपने आश्रम ले आए। अप्सरा और गंधर्व का अंश होने के कारण वह कन्या अप्रतिम सुंदरी थी। ऋषि ने उसका नाम रखा प्रमदवरा। भृगुवंशी ऋषि कुमार गुरु एक दिन स्थूलकेश के आश्रम पर घूमते घूमते आया और प्रमदवरा के रूप पर मोहित हो गया। रुरु के पिता प्रमति स्थूलकेश से मिले और रुरु और प्रमदवरा का विवाह तय किया गया। एक दिन प्रमदवरा सखियों के साथ वन में गई और उसका एक सर्प पर पैर पड़ गया। क्रोधित सर्प ने उसे दंश लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इससे रुरु बहुत शोक में डूब गया। रुरु विलाप कर रहा था तभी वहां एक देवदूत पहुंचा और उसने कहा कि प्रमदवरा को जिनकी आयु मिली थी वह उस आयु को जी चुकी है। लेकिन रुरु ये सुनने को तैयार न था। देवदूत ने कहा कि यदि रुरु अपनी आधी आयु दे दो तो ये पुनः जीवित हो जाएगा। रुरु सहर्ष अपनी आधी आयु प्रमदवरा को देने को तैयार हुआ तो विश्वावसु और मेनका धर्मराज के पास गए और अपनी पुत्री को जीवित कराया। इसके बाद प्रमदवरा के से रुरु का विवाह हो गया, लेकिन रुरु को सर्पों से वैर हो गया। वह सर्प जाति का विनाश कर देना चाहता था। एक बार उसने एक पानी का सर्प देखा। रुरु ने सर्प को मारने के लिए हाथ में पकड़ी लाठी चलाई। वह उसे मार डालना चाहता था कि तभी वह पानी का सर्प मनुष्य की भाषा में बोला पड़ा, युवक मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरे प्राण लेने पर उतारा। रुरु ने कहा, मेरी प्रियतमा को एक सर्प ने डस लिया था, इस कारण उसके प्राण चले गए। तब से मैंने सभी सर्पों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली है। सर्प बोला, तुम्हारा क्रोध उचित, किंतु हम ढूंढो विषहीन पानी के सर्प को क्यों मारते हो, हमें तो विष ही नहीं होता। सर्प की आकृति मात्र से हमारे प्रति तुम्हारा वैर तो उचित नहीं है ऋषि कुमार। रुरु मनुष्य की बोली में सर्प को बात करते देख चौंक गया। ये जानकर उसे दुखद आश्चर्य हुआ कि जल के सर्पों में विष ही नहीं होता। डुंडुक की बात सुनकर रुरु को ज्ञान हुआ और अपने किए पर पछतावा हुआ कि मैं व्यर्थ ही निर्दोष सर्पों को मारता रहा। रुरु ने सर्प से पूछा, हे सर्प, तुम मनुष्य की भाषा में बात करते हो, तुम कौन हो? सर्प ने बताया, मैं पूर्व जन्म में सहस्त्रपाद नामक ऋषि था। खगम नामक एक मेरा मित्र था। एक दिन मेरा मित्र अग्निहोत्र कर रहा था, तब मैंने हासे करते ही तिनकों का एक सर्प बनाया और मित्र को डराने लगा। वह उस सर्प के भय से मूर्छित हो गया। चेतना आने पर उसने मुझे शाप दिया कि जिस प्रकार तुमने विषहीन सर्प बनाकर डराया, तू वैसा ही विषहीन सर्प बन जा। मैंने उससे बहुत क्षमा प्रार्थना की तो उसने कहा कि शाप खत्म करना उसे नहीं आता, परंतु उसने मुझे उपाय बताया कि प्रमति के पुत्र रुरु होंगे जिनका सर्पों से वैर होगा, उनसे मिलने पर तुम्हारे शाप का अंत हो जाएगा। ऋषि सर्प योनि त्याग कर वास्तव रूप में आए और रुरु को कई प्रवचन दिए। अपराध यदि व्यक्तिगत हो तो दंड भी व्यक्तिगत होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के अपराध की सजा उस पूरी जाति को क्यों को मिलनी चाहिए जिससे अपराधी का सरोकार है। विद्वेष को कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा विष है जिसे रोका न गया तो फैलता हुआ संपूर्ण समाज को ग्रस लेता है। महाभारत के आदि पर्व की नीति कथा। जीवन के लिए आवश्यक बताए गए 16 संस्कारों में से एक है विवाह। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए इस संस्कार का बड़ा योगदान है, इसीलिए शास्त्रों में विवाह के विषय पर बहुत विस्तृत चर्चा मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में विवाह के संदर्भ में विस्तार से और प्रामाणिक वर्णन मिलता है। ज्योतिष का ही एक सहयोगी अध्ययन हस्तरेखा विज्ञान। हस्तरेखा विज्ञान में उन विषयों के बारे में बताया गया है जो प्रश्न विवाह को लेकर किसी युवक या युवती के मन में सहज ही उठते हैं। हमारी हथेली में होती है विवाह रेखा। उसी रेखा को आधार बनाकर हस्तरेखा विज्ञान में किसी जातक के विवाह के साथ साथ प्रेम प्रसंग से जुड़ी सारी बातों का विश्लेषण करता है। आज हम जानेंगे कि क्या कहती है हथेली की ये विवाह रेखाएं।
विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी खास बातें जानने के लिए हस्तरेखा ज्योतिष श्रेष्ठ मार्ग है। विवाह संबंधी बातें जानने के लिए हथेली में विवाह रेखा का अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ जानिए विवाह रेखा से जुड़ी खास बातें। हमारी हथेली में थोड़े थोड़े समय में कई रेखाएं बदलती रहती हैं, जबकि कुछ खास रेखाएं ऐसी हैं जिनमें अधिक बड़े बदलाव नहीं होते हैं। इन महत्वपूर्ण रेखाओं में जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, मणिबल, सूर्य रेखा, विवाह और संतान रेखाएं शामिल हैं। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार विवाह रेखा से किसी भी व्यक्ति के विवाह और प्रेम प्रसंग पर विचार किया जाता है। विवाह रेखा सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर के नीचे वाले भाग पर आड़ी स्थिति में होती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा बहुत अधिक नीचे की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही है और वह हृदय रेखा को काटते हुए और नीचे चली जाए तो ये शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति का जीवन साथी अल्पायु हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा लंबी और सूर्य पर्वत तक जाने वाली है तो ये प्रतीक है कि उसका जीवन साथी संपन्न और समृद्ध होगा। यदि बुध पर्वत से आई हुई कोई रेखा विवाह रेखा को काट दे तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन परेशानियों भरा होता है। विवाह रेखा अगर बीच में टूटी हो तो यह विवाह टूटने का संकेत माना जाता है। इसके लिए हथेली के दूसरे चिन्हों पर भी विचार करना चाहिए। यदि विवाह रेखा के अंत में किसी सांप की जीभ के समान दो शाखाएं हो तो यह पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद पैदा करती है। यदि किसी पुरुष के बाएं हाथ में दो विवाह रेखा है और दाएं हाथ में एक विवाह रेखा है तो ऐसे लोगों की पत्नी श्रेष्ठ होती है। इन लोगों की पत्नी बहुत अधिक प्रेम करने वाली और पति का बहुत अधिक ध्यान रखने वाली होती है। यदि दाएं हाथ में दो विवाह रेखा है और बाएं हाथ में एक विवाह रेखा है तो ऐसे लोगों की पत्नी अपने पति का अधिक ध्यान रखने वाली नहीं होती है। हाथ की रेखाओं से जाने अपने वैवाहिक जीवन का सारा हाल। दोनों हाथों में विवाह रेखा समान लंबाई की और समान शुभ लक्षणों वाली होती है तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी होता है। इन लोगों का अपने जीवन साथी से काफी अच्छा तालमेल होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा ऊपर की ओर मुड़ जाए और छोटी उंगली तक पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में काफी परेशानियाँ आती हैं। आमतौर पर ऐसी विवाह रेखा वाले इंसान का विवाह होना बहुत मुश्किल होता है, यानी इन लोगों के अविवाहित रहने की संभावनाएं काफी अधिक होती है। यदि विवाह रेखा के अंत में त्रिशूल के समान चिन्ह दिखाई दे रहा है तो व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत अधिक प्रेम करने वाला होता है। ये प्रेम हद से अधिक हो जाता है। कुछ वर्षों बाद ऐसा व्यक्ति जीवन साथी के प्रति उदासीन भी हो जाता है। यदि विवाह रेखा को कोई खड़ी रेखा या रेखाएं काट रही है तो यह विवाह में देरी और बाधाओं का संकेत है। हर व्यक्ति की आत्मा अमर होती है, लेकिन जो व्यक्ति नेक होते हैं उनकी आत्मा अमर और दिव्य होती है। जो मानव अपने अवगुण और दूसरों के गुण देखता है वही महान व्यक्ति बन सकता है। आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। शादी या ब्रह्मचर्य, आदमी चाहे जो भी रास्ता चुन ले उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। दोस्ती करने में धीमे रहिए, पर जब कर लीजिए तो उसे मजबूती से निभाए और उस पर स्थिर रहिए। चाहे जो हो जाए शादी कीजिए। अगर अच्छी पत्नी मिली तो आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी, अगर बुरी पत्नी मिलेगी तो आप दार्शनिक बन जाएंगे। जीवन भर ज्ञानार्जन के बाद मैं केवल इतना ही जान पाया हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जान पाया हूँ। जहाँ सम्मान है वहाँ डर है, पर ऐसी हर जगह सम्मान नहीं है जहाँ डर है, क्योंकि संभवतः डर सम्मान से ज्यादा व्यापक है। अधिकतर आपकी गहन इच्छाओं से ही घोर नफरत पैदा होती है। एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। मृत्यु संभवतः मानवीय वरदानों में सबसे महान है। सौंदर्य एक अल्पकालिक अत्याचार है। जिंदगी नहीं बल्कि एक अच्छी जिंदगी को महत्ता देनी चाहिए। मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने और पीने के लिए जीते हैं, मूल्यवान व्यक्ति केवल जीने के लिए खाते और पीते हैं।
हर व्यक्ति की आत्मा अमर होती है, लेकिन जो व्यक्ति नेक होते हैं उनकी आत्मा अमर और दिव्य होती है। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। मैं सभी जीवित लोगों में सबसे बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे महान तरीका है कि हम वो बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। अपना समय औरों के लेखों से खुद को सुधारने में लगाए, ताकि आप उन चीजों